अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रईस जमील और आप देख रहे हैं रईस जमील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और शरई सवालात के शरई जवाब लेकर रोज़ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। और हमारे जो आज के मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी ज़ियाही साहब, अक्सर वो हमारे सवालात का जवाब देता है जो कि उर्दू शुवारे के हमारे जो सवालात होते हैं। और आज का जो हमारा सवाल है, एक भाई ने लिखा है, आतिफ हुसैन साहब ने, अस्सलामु अलैकुम, मेरा सवाल है कि क्या बहू पर सास और ससुर की खिदमत शरीयत ने लाजिम की है या नहीं, वजाहत फरमाएं, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने एक सवाल पूछा है कि औरत पर शौहर के वालदैन की खिदमत लाजिम है या नहीं। एक बात जहन में रखिए, अगरचे शरीयत में औरत पर शौहर के वालदैन की खिदमत को लाजिम नहीं करार दिया, फिर भी औरत का अखलाकी फरीजा बनता है कि वो अपने शौहर के वालदैन की खिदमत करे, उनका अदब व एहतराम रखे। क्योंकि जब औरत अपने शौहर के वालदैन की इज्जत करेगी, उनकी खिदमत करेगी, शौहर खुश होगा, जिससे घर के अंदर एक सलामती और अमन का माहौल पैदा होगा। अब अगर कोई औरत अपने शौहर के वालदैन का एहतराम नहीं करती, उनकी इज्जत नहीं करती, तो इससे घर के अंदर बदअमनी फैलती है, घर के अंदर तरह तरह की मुश्किलात सामने आती हैं, फिर लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी तलाक की नौबत भी आ जाती है। लिहाजा औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के वालदैन की इज्जत और एहतराम करे। सवालात होंगे हमारे लिए कीमती रहते हैं और आपके सवालात के जवाबात लेकर हर रोज़ मैं हाज़िर होता हूं इसी चैनल पर रईस जमील, चाहे यूट्यूब हो, चाहे लिंक्डइन हो, या इंस्टाग्राम हो, या फेसबुक हो, किसी भी साइट के ऊपर आप उस वीडियो को देख सकते हैं बाद में। तो ख़ास तौर पर हम अभी इन वीडियोज़ को हमारी यूट्यूब चैनल जो है रईस जमील ऑफिशियल, उसके ऊपर हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप सबसे गुजारिश रहती है मेरी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि जो उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन रखना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि आज कौन सा सवाल आया है और उसका जवाब भी आपको उसके साथ मिलता है। और आखिर पर फिर से एक बार मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे क्वेश्चन भेज सकते हैं। चाहे आप ऑडियो क्वेश्चन भेजें या आप रिटन यानी लिखा हुआ क्वेश्चन भेजें, तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। बाकी वसलम, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।